नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद है मोहित शर्मा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लगातार किसान आंदोलन में डटे हुए थे और फिलहाल उत्तर प्रदेश की तमाम विधानसभा में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जमीनी हकीकत देख रहे हैं, किसानों से, मजदूरों से, सब तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है, एक बयान आया है कि किसानों का जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं और किसान आंदोलन भी कमज़ोर हो गया। लगातार किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, डटे हुए थे बॉर्डर पर और अभी भी डटे हुए हैं। इन तमाम मुद्दों से हम मोहित शर्मा से बातचीत करेंगे। यूपी में जो तमाम गुंडे बदमाश थे, सरकार ने कहा कि उनका हमने सबका एनकाउंटर किया, किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, गुंडे बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया, लेकिन आज अलकायदा के आतंकवादी आपके क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय, जनसंख्या नियंत्रण कानून से पहले आपको गुंडा नियंत्रण कानून लाना चाहिए कि गुंडों को किस प्रकार से रोका जाए, इसके बारे में आप सोचिए। और दूसरी बात, आप एक बात बताइए, आप कहते हैं कलकत्ता में आपको टीएमसी के गुंडे मारते हैं, आप कहते हैं कि आपको महाराष्ट्र में शिवसेना के गुंडे मारते हैं, आप कहते हैं आपको राजस्थान में कांग्रेस के गुंडे मारते हैं, आप कहते हैं यूपी में आपको सपा के गुंडे मारते हैं, जब सब जगह आपको इस देश की जनता लतिया ही रही है भैया, तो क्यों वोट मांगने के सामने? योगी जी के सामने बहुत सारे लोग हैं। कौन है बताइए? योगी जी के सामने पूरा उत्तर प्रदेश का किसान है, उत्तर प्रदेश की आम जनमानस है, उत्तर प्रदेश का प्रजातंत्र है, और उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी होने वाली वो तमाम पार्टियां जो देश के किसान को लेकर, बेरोजगारियों को लेकर, सपा भी हो सकती है, बसपा भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, और तमाम राहुल गांधी भी हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनको हम गंभीरता से लेते ही नहीं है। तो आपकी पार्टी के नेता को कौन सा कोई गंभीरता से लेता है? आप ही की पार्टी के प्रधानमंत्री आपको गंभीरता से नहीं लेते, आपको जन्मदिन की बधाई नहीं लेते, आप तो शर्म कर लीजिए। बधाई इन्होंने दी किसकी? अभी जो जीत हुई है, जीत की बधाई दी ना, जन्मदिन की बधाई थोड़ी दी है। जीत की बधाई दी है उत्तर प्रदेश के नेताओं को जो वहां पर जीते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं दी है, समझ रहे हैं? अरे भैया, योगी जी के कार्यशैली की, योगी जी की अगर कार्यशैली की बात करें तो योगी जी का कार्यशैली गिना दीजिए आप। गिनाइए ना योगी जी का कार्यशैली। बंगाल में आप लोगों ने खुल्लम खुल्ला समर्थन किया टीएमसी का, यूपी में किसका करेंगे? देखिए, यूपी में हम उसका समर्थन करेंगे जिसको इस देश की जनता स्वीकार करेगी, जिसको इस देश का किसान स्वीकार करेगा, और जिसको जो बात करेगी रियल फैक्ट्स पे लेकर, एजुकेशन, डेवलपमेंट। देखिए, सीधा क्या बोले मैंने, क्यों गोल गोल तो बोल नहीं रहा हूँ। मोदी जी तो मैं हूँ नहीं। नाम लीजिए, किसका नाम लूँ? जैसे बंगाल में टीएमसी का किया, अभी मैनिफेस्टो तो रिलीज होने दीजिए, मैनिफेस्टो तो रिलीज होने दीजिए, मैनिफेस्टो का इंतजार करिए। और जो पार्टियां किसानों से लेकर बात करेंगी, सबसे अच्छा बीजेपी का आता है, बीजेपी से बढ़िया कुछ है मैनिफेस्टो नहीं आता। बीजेपी से बढ़िया मैनिफेस्टो नहीं आता, लेकिन उस मैनिफेस्टो पे अगर कोई बात हो या काम हो तो समझ में आएगा। अगर आप मैनिफेस्टो देखकर समर्थन करना है तो मैनिफेस्टो तो बीजेपी का भी बढ़िया ही रहता है, उसमें क्या कमी है? देखिए, आप बीजेपी के मैनिफेस्टो की अगर आप बात करते हैं, मैनिफेस्टो को लीगलाइज करिए ना बीजेपी। मैं बीजेपी को वोट दूंगा अगर बीजेपी कहती है कि मैं अपने मैनिफेस्टो को लीगलाइज करती हूँ। बीजेपी करेगी अपनी मैनिफेस्टो को लीगलाइज, बताइए ना। बीजेपी ने तो अपनी मैनिफेस्टो में ये भी मेंशन किया था कि हम इस देश को 100 स्मार्ट सिटी देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिलती। ये भी मेंशन करती है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिलता है। बीजेपी तो ये भी कहती है कि हम प्रत्येक युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों के लिए बात करेंगे, किसानों को सहायता राशि प्रदान करेंगे, कहाँ मिलता है भाई, बताइए ना। हर आदमी का यही कहना होता है कि भैया गरीब को मिला, गरीब को मिला, हर व्यक्ति से पूछो तो गरीब को मिला, लेकिन वो इस देश में गरीब कहाँ है? सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, ताकि व्यूअर्स को भी एक क्लियर मैसेज आए, कौन है, कौन मजबूत है यूपी में? अखिलेश या फिर मायावती या फिर? देखिए, मेरा मानना तो ये है, बीजेपी को टक्कर दे। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। स्मृति ईरानी कह रही है कि यूपी तो लोगों को दिखता है, लेकिन किस तरीके से बंगाल में वहां की सरकार ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या कुछ नहीं किया, गुंडागर्दी किया, उस पर विपक्ष कहाँ चली जाती है और आप जैसे एक्टिविस्ट कहाँ चले जाते हैं? स्मृति ईरानी से ये पूछिए आप कि आप और आपकी पार्टी के अंदर कितनी महिलाओं ने महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में हो रही अत्याचार बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाई? जब इस देश में महिला के साथ बलात्कार हुआ, क्या स्मृति ईरानी बैठी संसद के बाहर? जिस संसद के अंदर भेजने वाली इस देश की महिलाओं ने स्मृति ईरानी को वोट दिया, क्या स्मृति ईरानी ने उस महिला के लिए आवाज उठाई? क्या स्मृति ईरानी बोलती है उन तमाम महिलाओं के लिए जिनके साथ अपराध और बलात्कार होता है? क्या स्मृति ईरानी उस बहन, उस बेटी के साथ बोलती है जिसके साथ बलात्कार सड़क के अंदर बीच चौराहे पे होता है? क्या स्मृति ईरानी उस महिला के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए बोलती है जिनके साथ में बलात्कार उनकी पार्टी का MLA कुलदीप सिंह सेंगर करता है? क्या स्मृति ईरानी उन महिलाओं के लिए बोलती है जिनके साथ बलात्कार कुलदीप सिंह सेंगर, चिरमेनंद, नित्यानंद, राम रहीम जैसे लोग करते हैं? बोलती है स्मृति ईरानी? आंदोलन के लिए तो जानी जाती है, महंगाई का भी विरोध उन्होंने किया। कौन सा आंदोलन के लिए जाने जाती है? आंदोलन गया भाड़ में। हमें इस देश में महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। वो महिलाएं
इस देश के अंदर महिलाओं के नाम पर धब्बा है, जो महिला दूसरी महिला के लिए आवाज नहीं उठा सकती। संसद तक पहुंचाया है महिलाओं ने उन्हें, और संसद में पहुंच के अगर महिलाओं के लिए आवाज ना उठाए ना, तो शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर। और आप लोग अगर पूछते हैं तो आपको जानना भी जरूरी है कि ये वो स्मृति ईरानी है जो मौजूदा प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजा करती थी, ये वो स्मृति ईरानी है जो वहां पर जंतर मंतर पर गैस सिलेंडर लेकर धरना लिया करती थी, ये वो स्मृति ईरानी है जिनका इलेक्शन जीतने से पहले, क्योंकि सास भी कभी बहु थी मैं, जिनका वजन 50 किलो था और आज तो मेरे ख्याल से मशीन ही फ्लॉप कर देंगे। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना मैं, आप ये बताइए ना, आज नहीं बोलती देश के लिए लेकर, आज बोलिए ना महिलाओं को लेकर। व्यक्तिगत टिप्पणी तो उन लोगों को उनको समझनी चाहिए कि एक माँ जो अपना चश्मा नहीं बनवा पा रही है, समझ रहे हैं, उसके बेटे की नौकरी चली गई लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन के अंदर उसकी बेटे की नौकरी चली गई और वो माँ 3 महीने से बिना चश्मे के है। और जब उससे पूछा जाता है कि माँ आप चश्मा क्यों नहीं बनवा रही, तो वो कहती है कि घर में बेटा खाने को रोटी नहीं है तो चश्मा कहाँ से बनवाऊँ। स्मृति ईरानी उनके लिए नहीं सोच रही, लेकिन और आप भी नहीं सोचते। इतना उलट फेर के बावजूद अगर दोबारा मंत्री वो बनी है तो कहीं ना कहीं कोई कार्यशैली तो ऐसी होगी उनकी, कार्यशैली देखकर। कार्यशैली है इन लोगों की, बस कुछ नहीं है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने की। वरना स्मृति ईरानी को अगर इतना ही शौक है तो आइए जरा एजुकेशन की डिबेट को लेकर बहस करिए, बैठिए ना एजुकेशन की डिबेट को लेकर, बैठिए डेवलपमेंट की डिबेट को लेकर बात करिए, पता चल जाएगा। अब बंगाल का अब आपको हिंदू खतरे में नजर नहीं आ रहा, अब बंगाल के हिंदू को यहाँ डाइवर्ट कर दिया है, अब आपको यूपी का हिंदू खतरे में नजर आ रहा है। और आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री तो पूरे देश के एक होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या करा बंगाल के लिए पिछले 6 साल में, बताइए जरा आप। उत्तर प्रदेश के लिए क्या करा, सबका साथ सबका विकास गया बाढ़ में, हाँ सबका साथ सबका सत्यानाश कराया इन लोगों ने, समझ रहे हैं। और बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार माफ कर दे यार, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। सुन लीजिए जी, क्योंकि देखा जा रहा है इकोनॉमी है वो खतरे में है, हिंदू खतरे में है, रोजगार खतरे में है, तो ये सरकार बनाई थी या खतरा मोड़ लिया, कैसे आप देख रहे हैं? खतरा ही मोड़ लिया है भैया, खतरा ही मोड़ लिया है, सीधे तौर पे सामने से खतरा लिया है। और ऐसा खतरा लिया है कि इस खतरे के विरोध में बोलेंगे तो आपके लिए सिर्फ एक चीज बनी है और वो है जेल का दरवाजा, और जल्दी जेल में डाल दिया जाएगा। आप एक बात बताइए, देखिए डरने की बात तो देखिए, मरना आपको भी है मुझे भी है, अपने देश के अंदर रहकर हम इस देश की जमीन को दोबारा से गुलाम बनते हुए नहीं देख सकते। ये आपको मैं एक बात बता दूं कि सरकार अगर सामने से गोली भी चलवाएगी, कुछ लोग हमें गाली भी देते हैं, हम उन लोगों की गाली को भी यही कहेंगे कि आप इस देश में हकीकत को देखिए, हकीकत को समझिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी का हिंदू विरोधी है, वो कहते हैं कि आप हिंदू विरोधी, देखिए हम हिंदू विरोधी कोई नहीं है, हम भी अपने धर्म को मानते हैं, और हमें अपने धर्म को मानने के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और जो लोग समझते हैं कि हिंदू विरोधी हैं वो उनकी गलत मानसिकता है। बीजेपी में शामिल होना पड़ेगा, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बीजेपी में नहीं है वो हिंदू नहीं है। असल में जो बीजेपी का विरोध कर रहा है, असल में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नज़र में वो हिंदू नहीं है। तो आप लोगों को समझना होगा, अपने लिए नहीं अपनी आने वाली जनरेशन और पीढ़ी के लिए सोचना होगा, मुझे समझ रहे हैं आप। अखिलेश यादव ने 10 लाख नौकरी और 300 यूनिट बिजली का वादा किया। बिल्कुल, अगर बात करते हैं नौकरियों की तो युवाओं को तो नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए इस देश के युवाओं को, तो उसमें गलत क्या है? धर्म की राजनीति ना करें। ये बात अगर भाजपा भी कहती है कि हम एजुकेशन पे लड़ेंगे, हेल्थ पे लड़ेंगे, डेवलपमेंट पे लड़ेंगे, तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म को मेंशन ना किया। मोदी जी का तो वायदा ही विकास का है, कर ही विकास रहे हैं तब से। हाँ विकास तो कर ही रहे हैं, पर ये नहीं समझ में आ रहा कि विकास कर तो कर कहाँ कर रहे हैं, इंडिया का कर रहे हैं या उसके अलावा कहीं और का कर रहे हैं? पेट्रोल के दाम आप देख ही रहे हैं, सरसों के तेल के दाम आप देख ही रहे हैं, अंधभक्तों के बेचारों की ये स्थिति हो गई कि अब बेचारे गर्मी में, सर्दी में, बारिश के मौसम में पकौड़े भी नहीं तल पा रहे हैं गर्मी में। तो राष्ट्रहित में कह रहे हैं कि 200 लेना पड़ेगा, 200 लेंगे, 500 भी लेंगे, देश के लिए, देश के खजाने में जा रहा है सब। हाँ तो राष्ट्रहित में लीजिए ना, वो लोग ले सकते हैं, इस देश का गरीब आदमी जो फुटपाथ पे सोता है, फुटपाथ पे रहता है, वो नहीं ले सकता, इस बात को आपको समझना होगा। आप लेंगे राष्ट्रहित में 200-500? हम क्यों लेंगे? हम सरकार से सवाल पूछेंगे कि 200 रुपये पेट्रोल देगी तो क्यों दे रही है, बताइए ना क्यों दे रही है सरकार? जब हमारे को गल्फ कंट्रीज से पेट्रोल सस्ते दाम पे आ रहा है तो सरकार क्यों बेच रही है उसको इतने महंगे दामों पर? हम सरकार से क्वेश्चन खड़ा करेंगे, सरकार इस बात का हमें जवाब दे। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।